अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डायनामिकल वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से डायनामिकल वेरिएबल्स के साथ। इन क्वांटम मैकेनिक्स द डायनामिकल वेरिएबल्स आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास जो डायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं, ये किसी भी सिस्टम की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो करती क्या है, दैट कैन चेंज विद टाइम, जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो सकती हैं, सच एज पोजिशन, मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि हमारे पास पोजिशन होती है, मोमेंटम होता है, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं। ठीक है, these variables are represented by operators। अब इन variables को operators के through represent किया जाता है, which are mathematical objects that act on quantum state, जो कि हमारे पास mathematical objects होते हैं जो कि quantum state के ऊपर act करते हैं। ठीक है, ये basic introduction था about dynamical variables। उसके बाद अगर हम बात करें operators की, तो operators क्या हैं, देखें, the operators are fundamental in quantum mechanics। यानी कि quantum mechanics के अंदर जो operators हैं वो क्या है, फंडामेंटल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे प्रोवाइड अ वे टू डिस्क्राइब हाउ दिस डायनामिकल वेरिएबल्स इवॉल्व इन टाइम। और ये जो है वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो डायनामिकल वेरिएबल्स हैं वो टाइम के लिहाज से किस तरह से इवॉल्व होते हैं। कौन बताता है, ये हमें ऑपरेटर्स ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन ऑपरेटर। यानी कि किसी भी पार्टिकल के अगर हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन ऑपरेटर के साथ, टिपिकली डोनेटेड एज एक्स, जिसको हम टिपिकली जो क्या करते हैं, एक्स के साथ हम उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, वाइल मोमेंटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम ऑपरेटर डोनेटेड बाय पी। और इसी तरह से अगर हम मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम को जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको डोनेट किया जाता है पी के साथ। ठीक है, तो ये वो क्या है, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। सो यहाँ से देखें मजीद, द टाइम इवेल्यूएशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज़ गवर्नड बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब इन ऑपरेटर्स की जो टाइम एवोल्यूशन है, यानी कि ये टाइम के लिहाज से कैसे इवेल्यूएट करते हैं, कैसे चेंज होते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, विच डिस्क्राइब्स हाउ द क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस विद टाइम, जो कि हमें बताती है कि टाइम के साथ साथ किस तरह से कोई भी क्वांटम स्टेट है वो किसी भी सिस्टम की जो क्वांटम स्टेट होती है वो चेंज होती है। यहाँ से मजीद देखें, द ऑपरेटर्स आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैलकुलेटिंग द फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने में भी अहम रोल प्ले करते हैं, सच एज़ पोजीशन एंड मोमेंटम। जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं हम, विच आर डिटरमाइंड बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटम स्टेट, जिनको हम डिटरमाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में आएंगे, वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे इनर प्रोडक्ट क्या आती है। ठीक है, विद द कोरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। सो लास्ट पे देखें, इन समरी द डायनामिकल वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स आर वेरी इसेंशियल कंसेप्ट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो बस जो अगर हम इसकी बात करें समरी की, तो उसके लिहाज से जो डायनामिकल वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो बस ये बेसिक कंसेप्ट था अबाउट डायनामिकल वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इनके ऊपर डिटेल में बात होगी जैसे जैसे नेक्स्ट हम लेक्चर्स में आएंगे, तो उन लिहाज से इन टर्म्स को बस कंसेप्ट को याद रखना है, तो बस इसलिए ये छोटा सा ही इंट्रोडक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।